Hello guys, welcome to our channel. We welcome you to the UGC Net Management December 2019 200 Most Important Question Series. और आज के इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे फर्दर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो चलिए हम एक एक करके क्विज को बिगिन करते हैं. बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट एचआर का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है सो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो आप हमारे गिवन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं. अगर आपको ये क्विजेस टेलीग्राम पे भी अटेम्प्ट करने हैं सो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो यहाँ से आपको डे 15 के क्विज पे जाना है. यहाँ से आप इसे बिगिन कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहा है. कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड स्टेट द करेक्ट कोड एंड स्टेटमेंट्स बींग ट्रू और फॉल्स. सो बेसिकली आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है. सो स्टेटमेंट वन आपसे क्या करिए. अ डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1 इंडिकेट्स दैट एवरी 1 यूनिट ऑफ इक्विटी द कंपनी हैज रेज 2 यूनिट ऑफ डेप्ट. अगर यहाँ पे आपकी डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है सो वो ये इंडिकेट करता है कि आपके पर 2 यूनिट ऑफ डेप्ट पे 1 यूनिट ऑफ इक्विटी है. सो बेसिकली जो ये आपकी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. बिकॉज अगर आप डेप्ट इक्विटी रेशियो को देखें सो यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी. सो अगर आप इस वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे सो वो आपका आएगा. सो बेसिकली यहाँ पे आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है 2:1. That is आपका डेप्ट है 2 और इक्विटी है आपकी 1. सो पर यूनिट ऑफ इक्विटी के लिए आपके पास डेप्ट कितना है 2. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड इक्विटी इशू इज लेसर देन द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड डेप्ट. सो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं इक्विटी इशू जो होता है वो आपकी उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ डेप्ट. सो ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है. बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू डेप्ट. इसके कई सारे रीजंस हैं. एज यू नो कि जो डेप्ट होती है उसके ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट पे करना होता है. बट इक्विटी होल्डर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क बियर करना होता है. उनको एट द एंड जो भी प्रॉफिट बचता है आफ्टर इनकरिंग ऑल द एक्सपेंसेस जो भी प्रॉफिट रिमेनिंग बचता है वही इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेप्ट होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स. सो बेसिकली यहाँ पे जो डेप्ट इक्विटी होगी उसके लिए जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे वो कम होगा. बट यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वो हायर होगी एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ डेप्ट. नाउ अगर हम इसके अंदर ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सो बेसिकली अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज 5 lakh, 40% ऑफ इट इज पेड अप, लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000, एक्यूमुलेटेड लॉस कैरिड फ्रॉम द लास्ट ईयर इज 2 lakh, द कंपनी हैज टेंजिबल नेट वर्थ ऑफ. सो बेसिकली यहाँ पे जो कंपनी की टेंजिबल नेट वर्थ है उसको कैलकुलेट करना है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है कंपनी की वो है 5 lakh. सो ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो होता है कंपनी के जो चार्टर में कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर जो आप उसके अंदर जो ऑथोराइज कैपिटल मेंशन की जाती है बाय द प्रमोटर्स वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है. कंपनी उससे ज़्यादा शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती है. सो आप हमें कमेंट में करके बताइए कि कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं. नाउ अगर हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल की बात करें सो यहाँ पे आपकी 5 lakh की गिवन है और इसमें से 40% जो है वो पेड अप कैपिटल है. सो अगर हम 5 lakh का 40% निकालें सो बेसिकली यहाँ पे जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है दैट इज 40% वो पेड अप है. सो यहाँ पे आप 40% निकालेंगे 5 lakh का तो वो आएगा आपका 2 lakh rupees. सो 2 lakh rupees इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पे किया हुआ है और लॉस इनकर जो है वो है 50,000 का. सो नेटवर्थ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास कितनी कैश है और उसके अंदर से आपके पास जो लॉसेस हैं उसको माइनस करेंगे तो आपकी नेटवर्थ निकलेगी. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी कैश निकल रही है वो है 2 lakh बिकॉज 40% ऑफ 5 lakh इज पेड अप. सो यहाँ पे आपकी 2 lakh जो है वो पेड अप कैपिटल है बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स. अगर हम इसके अंदर से करंट ईयर के लॉस को माइनस करेंगे दैट इज 50,000. सो यहाँ पे जो आपका नेटवर्थ बचेगा दैट इज 1,50,000. और अगर इसके अंदर से हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो बेसिकली अदर देन द लास्ट ईयर अगर उससे प्रीवियस ईयर के कई सारे लॉसेस जो हैं वो एक्यूमुलेट हुए हैं अगर उनको भी हम डिडक्ट कर दें सो आपके पास जो नेटवर्थ आएगी दैट इज 50,000. सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी.
सो एज यू नो कि लॉसेस को हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर शो किया जाता है इन अकाउंटिंग टर्म्स. सो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. अ फर्म इज करंटली अर्निंग रुपीज 50,000 एंड इट्स वन शेयर हैज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 175. इट हैज 5,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग. द अर्निंग ऑफ द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल एंड इट हैज अ पे आउट रेशियो ऑफ 100%. द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज. सो बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है आपको. सो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. सो देखिए यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आप बेसिक फॉर्मूला देखें यहाँ पे, सो यहाँ पे जो आपका प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर होता है वो होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अगर इसके अंदर हम पुट कर दें तो आपको प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर गिवन है 175 रुपीज़ एंड डिविडेंड आपको कितना गिवन है. सो बेसिकली यहाँ पे देखिए अगर आपको पर शेयर का प्राइस गिवन है तो आपको पर शेयर का डिविडेंड भी निकालना पड़ेगा. सो यहाँ पे आपको अर्निंग गिवन है 50,000 एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं 5,000. सो अगर हम पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड निकालें सो आपका आएगा यहाँ पे 10 रुपीज़. सो आप 10 रुपीज़ का डिविडेंड पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है और यहाँ से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को. सो यहाँ पे अगर आप 10 को डिवाइड कर देंगे 175 से सो आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा. तो इसको आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.71%. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस फाइनेंशियल रिस्क. सो बेसिकली यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल रिस्क को करेक्टली डिफाइन करती है. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस गिवन है इट रेफर्स टू द चांस दैट द फर्म विल बी अनेबल टू रिकवर इट्स ड्यूज फ्रॉम इट्स डेप्टर. सो बेसिकली यहाँ पे आप डेप्टर से अपने पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे. सो ये किस टाइप का रिस्क है. सो इसको क्रेडिट रिस्क बोला जाता है, बैड डेप्ट रिस्क भी बोला जाता है जिसको. बट हमें यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क निकालना है. फाइनेंशियल रिस्क हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जो कंपनी है वो अपने डेप्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको फाइनेंशियल रिस्क बोला जाता है. नाउ ऑप्शन नंबर बी देखते हैं. इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन द फर्म असेट्स लायबिलिटी एंड इनकम ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट. सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंजेस आने से जो कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ सकता है. सो बेसिकली ये कंपनी की असेट्स एंड लाइबिलिटी पे इंपैक्ट डालेगा. सो ये किस टाइप का रिस्क है. सो ये बेसिकली इसको इकोनॉमिक रिस्क या एक्सचेंज रेट रिस्क के अंदर कंसिडर किया जाएगा. अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें, इट रेफर्स टू द फर्म्स इनएबिलिटी टू पे ड्यू टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स. सो बेसिकली हम यहाँ पे क्रेडिटर्स को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस टाइप के रिस्क को बोला जाता है फाइनेंशियल रिस्क. सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी. चलिए ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं. इट रेफर्स टू द इनएबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एट द टाइम ओइंग टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी कैश. सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी अगर कम है सो इसकी वजह से आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना कर पाएं. सो इसको बोला जाता है लिक्विडिटी रिस्क. सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग. सो डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो आपको क्या शो करता है. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ असेट्स, नंबर ऑफ टाइम फिक्स असेट्स कवर बोरोड फंड्स, एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, नंबर ऑफ टाइम सरप्लस कवर इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन्स. सो बेसिकली आप जो टर्म्स लोन्स हैं उनके जो इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है उसका कितने टाइम्स आपको सरप्लस पड़ा हुआ है आपके पास, या फिर आपके पास करंट असेट्स आपकी करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा हैं, या फिर आपके पास जो फिक्स कॉस्ट हैं वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स कवर कर रही हैं आपके बोरो फंड्स को, और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स. सो इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताइए. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे. सो बेसिकली आज के डे 15 के क्विज के अंदर हमने अकाउंटिंग को कंटिन्यू किया. फर्दर वीडियोस के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे. सो आप हमारे साथ बने रहिए. अगर आपको UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड HRM का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है फॉर दिसंबर 2019 एग्जाम, सो आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो आप हमारे गिवन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज़.